हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता रही हूँ। उससे पहले मैंने क्वाड्रिलेटर का कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया से पहले वाली वीडियो में। इसे बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये जो है थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए भी आएगी। तो क्या दे रखे थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ओनली टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स। ठीक है, पैरेलल और इक्वल दोनों चीज़ बतानी है। क्या दे रखा है, पहले हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी हमें दे रखा है, इन विच ई, देखो ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो ई है और ए सी साइड का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। ठीक है, तो ये दोनों हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। जब हम इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लिखा है ए ट्राइंगल ए बी सी इज इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टली, ई एफ इज जॉइंट। तो किसको ज्वाइन कर दिया हमने, ई एफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ई एफ ये रहा, ई एफ पैरेलल टू बी सी, बी सी हमारा ये है, मतलब इसको इसके पैरेलल हमें दिखाना है, और ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, मतलब ये इसका हाफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, थ्रू सी, ये हमारा सी पॉइंट है, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए, मतलब हमें बी ए के पैरेलल ये लाइन बना दी। ठीक है, ये वाली लाइन हमने बी ए के पैरेलल बना दी। ठीक, टू मीट ई एफ, कहाँ पर इसको मीट कर रहे हैं, ई एफ पे, ये डी पॉइंट तक, ई एफ को हमने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, डी तक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो देखो क्या प्रूव करेंगे, मैं तुम्हें ऐसे मतलब 11 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे तुम इसे आसानी से प्रूव कर पाओगे। अभी मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ। देखो तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती जा रही हूँ और यहाँ मैं रीज़न बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें 11 स्टेटमेंट मिलेंगे, 11 ही रीजन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल चुनने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल, एक तो मैं लेंगी ए ए एफ ई वाला और एक मैं ट्राइंगल ले लूँगी सी डी एफ। ठीक है, तो इन पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या ले रहे हैं हम, ए एफ ई, देखो दिख रहा है ए एफ ई, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें देखो तो ए एफ ये रहा हमारा ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, बोला ये मिड पॉइंट है तो ये वाले ये दोनों इक्वल होंगे ना, मिड पॉइंट का मतलब तो ये कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो, तो यहाँ पे पहला रीजन में लिख दे रही हूँ, सॉरी स्टेटमेंट ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, अब इसके लिए रीजन है हमारा एफ इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, एफ ए सी का, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ए सी का, और ये गिवन है तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो गिवन। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी एंगल ए एफ ई, मतलब ए एफ ई मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी, सी एफ डी, तो इस वाले एंगल की बात हो गई। क्या है दोनों के दोनों एंगल, ये दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक्स बन रहा है ना, जब भी एक्स बनता है तो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नंबर थर्ड में देखो, नंबर थर्ड में हम लिखेंगे एंगल ई ए एफ, देखो किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ई ए एफ मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ई ए एफ तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है, एंगल डी सी एफ, डी सी एफ इसके बराबर। तो देखो ये हमने बोला कि ए बी किसके पैरेलल होगा, इस वाली लाइन के, है ना, जो हमने इसके पैरेलल बनाई है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गए, ए सी हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो फिर ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ, क्यों, रीजन देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, बी ए पैरेलल टू सी डी, ये सी डी हमारा, ये बी ए, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पे जाएंगे, तो फोर्थ पे हम क्या लिखेंगे कि अब हमारा हो गया, तीन पॉइंट मिल गए, तीन ही पॉइंट हमें चाहिए, तो ट्राइंगल ए एफ सॉरी ए एफ ई इक्वल्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है। ए एफ ई, ए एफ ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है। कौन सा रूल, देखो हमने दो तो एंगल लिए है ना, दोनों एंगल ले लिए हमने, और क्या करा है, एक हमने साइड ली है, तो हम इसको कर देंगे ए एस ए, मतलब इंक्लूडेड साइड हो गई, ठीक है। तो ए एस ए रूल से हो गए कॉन्ग्रेंट, ठीक। अब नंबर फाइव पे हम जाएंगे, तो ई एफ, क्या बोल रही हूँ, ई ये रहा, ई एफ इक्वल्स टू एफ डी, मैंने बोला ई एफ इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है। एंड एंड ए इक्वल्स टू सी डी, देखो ए इक्वल्स टू सी डी, समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ई एफ, ये वाले हमारी साइड जो ई एफ, जो मिड पॉइंट हमने दोनों ज्वाइन करे हैं ई और एफ, वो लाइन सेगमेंट हो गया ई एफ, ठीक है। ई एफ इक्वल्स टू एफ डी, मतलब ये और ये दोनों कैसे इक्वल, ये दोनों इक्वल। एंड ए ई, ये वाली ए ई, ये वाली सॉरी ए ई इजिकल टू सी डी, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाई सी पी सी टी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूव कर दिए। जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो फिर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सी पी सी टी से लिख दिया। नंबर सिक्स पे हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू बी ई, ए ई कहाँ पर है, ये रहा ए ई इक्वल्स टू बी ई, क्योंकि ए बी का तो मिड पॉइंट ई है, तो ए इक्वल टू बी ई लिखने में हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे ई इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। अब नंबर सेवन पे हम लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल्स टू सॉरी बी ई, ए ई नहीं बी ई, बी ई इक्वल्स टू सी डी, देखो बी ई इक्वल्स टू सी डी, ये हमने ये बताया था कि ए बी के पैरेलल ये वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, फ्रॉम फाइव एंड सिक्स, ये हमारा फाइव बाई सी पी सी टी, और ये सिक्स हमारा ई क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। अब हम जाएंगे नंबर एट पर, नंबर एट में लिख देंगे अब हम, क्योंकि हमने ये तो प्रूव कर दिया ई बी सी डी। अब ध्यान से देखो, तुम बोल रहे हैं ई बी सी डी, देखो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ई बी सी डी, अगर इन चारों को हम मिला दें, ये ई बी सी डी बन गया पैरेललोग्राम, बन गया ना। तो हम लिख देंगे ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके लिए रीजन हम दे देंगे बी ए पैरेलल टू सी डी एंड बी ई इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ई एफ कहाँ पर है, ये रहा ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये मिड पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल साइड है, तो ये इसके मैंने पैरेलल। एंड ई डी, ये लिखा मैंने ई डी इक्वल्स टू बी सी, और रीजन लिखेंगे सिंस, क्योंकि वो तो हमने ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए
पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया उसको। अब नंबर 10 पे हम लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू हाफ ई डी। कैसे, देखो ई एफ ये रहा और ई डी कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा। जब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब, तो अगर हम पूरे की बात करें तो हाफ ही उसके इक्वल होगा ना, तो मैंने लिख दिया ई एफ इक्वल्स टू हाफ ई डी, ठीक है। इसके बाद इसका रीज़न देना पड़ेगा हमें, तो रीज़न में हम लिखेंगे सिंस ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है, फ्रॉम 5, 5 नंबर पे हमने दिखाया उसको। अब 11th पॉइंट पे हम लिख देंगे ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, है ना, हाफ बी सी। इसके लिए हम रीज़न क्या दे देंगे यहाँ पर, सिंस ई डी इक्वल्स टू बी सी फ्रॉम 9 पे जो हमने दिखाया यहाँ पर, सिंस ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या, अब तो लिख दो हैंस जो हमसे प्रूव करवाया है ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, हो गया आपका प्रूफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा पॉइंट वाइज, अब आप बड़ी आसानी से इसको कर लो।